हेलो दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ अपडेट चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन की जीवनी या बायोग्राफी को आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। इनके फिल्मी कैरियर के बारे में जानकारी हासिल करोगे आप, या इनके टीवी प्रोग्राम के बारे में, कौन कौन से टीवी प्रोग्राम को इन्होंने किया है, या इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, इनके अच्छे अभिनय के लिए कौन कौन से अवार्ड मिले हैं इनको, इनके बारे में आप इस वीडियो में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानकारी हासिल करोगे अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी या इनकी जीवनी के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अमिताभ बच्चन के माता पिता। माता का नाम है तेजी बच्चन और पिता का नाम तो आप सभी जानते हो, हरिवंश राय बच्चन, जो एक हिंदू परिवार से थे। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में। इसके आगे देखते हैं इनकी पत्नी के बारे में। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम है जया भादुरी बच्चन, जिनका विवाह हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ 1973 में। अब इनके बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इनके दोस्तों, पुत्र का नाम आप सभी जानते हो अभिषेक बच्चन है, जो कि फिल्मों के अंदर काम करता है, और उनकी पुत्री का नाम है सविता बच्चन नंदा। तो दोस्तों, इनके एक पुत्र और एक पुत्री है, और बॉलीवुड के शहंशाह के नाम से भी अमिताभ बच्चन को जाना जाता है। फिल्म करियर की शुरुआत 1969 में की थी। उनकी पहली मूवी का नाम है सात हिंदुस्तानी है। सात हिंदुस्तानी मूवी से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। टोटल मूवी की बात की जाए तो 1969 से 2019 तक इनकी 226 मूवी रिलीज़ हो चुकी है, और 3 मूवी अभी तक रिलीज़ होनी बाकी है। अब इनके टीवी शो के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टीवी शो को इन्होंने होस्ट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है नंबर 1 पे कौन बनेगा करोड़पति। इनको तो आप सभी जानते हो इस टीवी प्रोग्राम को, जो 2000 से 2018 तक इन्होंने होस्ट किया है। दूसरा है बिग बॉस, जिसका प्रारंभ इन्होंने 2006 में किया था। तीसरा युद्ध, 2014 के अंदर इन्होंने शुरू किया था इसको। इसके बाद में चौथा आता है ट्वाइस टू बी ए मिलीनियर, जो प्रारंभ 1998 में था बच्चन ने किया था। पाँचवें नंबर पे आता है भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप, जो 2013 से 2015 तक चला था। अब इनके पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इनको अवार्ड्स या पुरस्कार मिले। सबसे पहले आता है फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, फिल्म फेयर विशेष जूरी पुरस्कार। तो दोस्तों, इनको कई पुरस्कार दिए गए हैं इनके अभिनय के लिए। स्टार डस्ट पुरस्कार, जी सिने अवार्ड्स, स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम, फिल्म फेयर पावर पुरस्कार, स्टार डम पुरस्कार, स्टार ऑफ द जूरी, बॉलीवुड मूवी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, इंडियन टेली पुरस्कार, बॉलीवुड फिल्म पुरस्कार सबसे सनसनीखेज अभिनेता के लिए, बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, गिल्ड पुरस्कार, जी सिने गोल्ड ग्रेड पुरस्कार, बिग स्टार मोस्ट इंटरटेनिंग पुरस्कार, एशियाई फिल्म पुरस्कार, बिग स्टार मोस्ट इंटरटेनिंग फिल्म एक्टर। तो दोस्तों, कई पुरस्कार मिले अमिताभ बच्चन को, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन्होंने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है, बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इनको बहुत पुरस्कार या बहुत अवार्ड्स मिले हैं इनके अच्छे अभिनय के लिए। तो इन कि दोस्तों, पुरस्कारों की लिस्ट यहाँ ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।